Hello everyone. Now we are in the last part of the HOTS question, and this is the third question, and this is the third part of the HOTS section categories. Okay, this is the third question. Now we will solve the question number three. This is very important question in the point view of competition and your school level exam, right? So this video is valuable for class 9th and 10th. Dono ke liye important hai. To aisa nahi ki 10th ke section mein maine dal rakha to 9th wale na dekhe, theek hai? To real number system dono ke liye common hai. Jahan se alag ho main zarur kahunga ki ye 10th ke liye 9th ke liye. To abhi 9th 10th ke liye common hai aur yahan pe channel pe mere playlist bani hui hai. Wahan pe ja ke aap aasani se क्लास 9th और क्लास 10th की वीडियोस देख सकते हैं. फिजिक्स पे जल्द ही एक अच्छी सी वीडियो आने वाली है क्लास 9th और 10th के लिए, साथ में क्लास 11th के लिए भी फिजिक्स की वीडियो आएगी, ठीक है? तो देखते रहिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ. और हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे बुक्स के, कुछ सीबीएसई के बुक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे तो नहीं, सीबीएसई बुक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन एस चांद के भी करवाऊँगा फिजिक्स के, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ये वाले क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1/√a + √b फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है, और हमें पता है हम इसे रेशनलाइज कर पाते हैं. 1/√a + √b है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है. इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं. तो क्या हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाता है. रेशनलाइज होने के बाद हम आसानी से क्यों रेशनल क्यों बनाते हैं, इसको हम जोमेटर रेशनल बनाने से थोड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. हम रेशनल का बहुत ज़्यादा एलसीएम लेना, उसका इनटू करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? सारा मेसी सा हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस को रेशनलाइज करके, जब जोमेटर रेशनलाइज हो जाता है, आसानी से एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा भी रहा फ्रैक्शन के बीच का साइन कर लिया, ठीक है? तो बस यहाँ पर वही करेंगे और अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ये तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1/√9 + √10, 1/√10 + √11, इस तरीके से दिया गया है, अप टू 91 टर्म्स, यानी सारे टर्म्स का हमें सम चाहिए. अब सारा क्वेश्चन मत लिखने लगना कि 91 बार आप इसे लिख डालोगे, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन जब भी डिजाइन किए जाते हैं तो ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं. यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर देखो 9, 10 है, फिर यहाँ 10, 11 है, यहाँ 11, 12 है, मतलब किन्हीं किसी एक फ्रैक्शन को अगर सॉल्व कर ले तो आगे का आंसर क्या आएगा. यानी अगर 1/√9 + √10 को मैं सॉल्व कर लूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझे पता हो जाएगा. इसी सब साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है, तो मुझे इसको 91 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा केवल इसको सॉल्व करके. तो इसका सम बताना है 91 टर्म्स तक, यानी S90 बताने की तरीके से, सम ऑफ 91 टर्म्स, ठीक है? तो ये 7 है, 8 है, 6 है, 9, कौन सा ऑप्शन होगा? इस तरह क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हो, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं इसे डिटेल्ड मेथड में ही सॉल्व कर लूँगा, ठीक है? सॉल्व कर देते हैं डिटेल मेथड में. आइए देख लेते हैं, एक मिनट इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक? तो चलिए पहला सॉल्व कर लेते हैं. इसको मैं रेशनलाइज करूंगा जैसे मैंने बताया, ठीक है? वहाँ मैंने प्लस लिख दिया, अभी मैं हटा देता हूँ, परेशान नहीं होना. इसको मैं इरेज कर दिया और ये लिख दिया माइनस, ठीक है? कंजुगेट तो पता है, ए √a + √b कंजुगेट √a - √b होता है, ठीक है? ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कंजुगेट के बारे में काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं, अभी तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल. √√10, यहाँ पर देखिए a + b a - b, सिंपली 9 - 10, आंसर कितना आ गया भाई, √9 - √10, 9 में 10 जाएगा बेटा, माइनस होना आएगा 1, कभी कभी बच्चे लिख देते हैं, -1 आ गया. अब -1 से मैं ऊपर नीचे अगर इंटू कर दूँ, ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे तो -1 × -1 1 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, -1 से इंटू करेंगे तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, यानी -√10 है तो +√10 हो जाएगा, +√9 है तो माइनस हो जाएगा, ठीक? √1 है तो इसका मतलब 1 से कोई मतलब ही नहीं है, है ना? डिनोमिनेटर 1 से मतलब नहीं,
10 माइनस अंडर रूट 9 आया पहले का। इसी तरीके से यहाँ पे देखो लिखा था अंडर रूट 9 प्लस 10, आंसर क्या आया अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 9। इसी तरीके से इसका प्रेड करके बता सकते हो क्या? यस वी कैन टेल द वैल्यू ऑफ अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 11। यहाँ देखो 10 माइनस 9 गया, यहाँ मतलब 11 माइनस कितना आ जाएगा, 11 माइनस 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, 91 टर्म्स तक गया है, ठीक है। 91 टर्म्स में क्या आ जाएगा लास्ट वाले में, देखो पहला वाला था 10 9 10 10 11, इस तरीके से 91 टर्म्स तक गया है। तो अब इसलिए कितना हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, अंडर रूट 99 माइनस अंडर रूट 100, सॉरी 99 तो छोटा होगा ना, ये पहले इसको मैं लिखूँगा क्योंकि यहाँ माइनस वन का मैंने ऊपर नीचे इंटू कर दिया है ना, माइनस वन का ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो उसे तो अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 100 माइनस 99 ये हो जाएगा। और इसके पहले, जस्ट इसके पहले क्या लिखा होगा आप बता सकते हैं, जस्ट इसके पहले लिखा होगा अंडर रूट 99 बड़े नंबर में छोटा नंबर कट रहा होगा, जस्ट इसके पहले वाला टर्म। मैं इसे लिख रहा ताकि आप समझ में आ जाएगा 99 कट हो जाएगा। अब देखिए जब इनको सम करूँगा मैं, कट हो जाएगा सब, माइनस यहाँ पे आप देख रहे हो अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट, तो यहाँ पे 10 प्लस में है, यहाँ माइनस में, अंडर रूट 11 में से अंडर रूट 10 कट गया, 11 गया, इस तरह 12 आगे वाले से आएगा। और ये देखिए 99 इसके पहले ये है, बीच में है, ये सबसे लास्ट में तो ये है, ये बीच में है, ठीक है। तो 99 ये कट गया, 98 इसके पहले ही कहीं कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, वी आर लेफ्ट विथ 100 अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 9। बस इनका सम इतना हो गया, अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 9। सोचिए इतने बड़े टर्म्स का सम इतना ही आया, खोदा पहाड़ निकली चुनिया। अंडर रूट 100 का मिला 10, अंडर रूट 9 का मिला 3, 10 माइनस 3 7, 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आसानी से कर लेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी क्लास 9th के लिए, सॉरी क्लास 9th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, कुछ आपको नया ही जानने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ पावर ऑफ लर्निंग, प्लीज सब्सक्राइब पावर ऑफ लर्निंग, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई टीचिंग मैथड, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी ज़रूर कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। बस एक, अगर कोई एक बच्चा अपने किसी 5 फ्रेंड को शेयर कर दें तो बड़ा अच्छा बात होगा, है ना, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो किन्हीं 5 बच्चों को आप शेयर करिए और उनसे बोलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए, बेल आइकन तो दबा लीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो घर बैठे ऐसे सीखते रहिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स अब ऑनलाइन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो जल्द ही अपलोड होने वाली है। ओके, थैंक यू एवरीवन।